हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स या फिर ओशंस सो so चिल्ड्रन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं क्योंकि हमारा जो प्लानट है माने के अर्थ ओके okay? उसमें चिल्ड्रन बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें से हमारी कंट्री का नाम क्या है इंडिया है और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जैसे बांग्लादेश श्रीलंका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम ये सब हैं लेकिन चिल्ड्रन आपको पता है कि ये सारी कंट्रीज किस पे हैं, लैंड मासेस पे हैं, माने इन्हें जमीन चाहिए सो so, चिल्ड्रन अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें आपको दो कलर्स मेजरली दिखते होंगे वो होते होंगे ग्रीन एंड ब्लू So, जो ग्रीन कलर होता है वो डिनोट करता है लैंड सर्फेस को और जो ब्लू कलर होता है वो डिनोट करता है वाटर सर्फेस को सो so, चिल्ड्रन जो ग्रीन सर्फेस है जो लैंड मास है का, children, okay? और जो ब्लू कलर का वाटर सर्फेस आपको दिखता है पूरे अर्थ में पूरे ग्लोब में जब आपने देखा होगा तो वो होते हैं चिल्ड्रन ओशंस तो ये दोनों चीजों से ही हमारा बना है प्लानिट और इसके अंदर है हम हमारी छोटी 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 कंट्रीज ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आती है कौन सी कंट्री के पास में कौन सा ओशन है पता होना चाहिए कि नहीं क्योंकि आगे आप जब जाएंगे और आप और जाके डीपर पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए तभी तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में आता है देन यू मस्ट नो दैट इन विच कॉन्टिनेंट डज इट कम हमारी खुद की कंट्री इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आती है देन वी मस्ट नो दैट इन कॉन्टिनेंट डू वी लिव इज इट सो चिल्ड्रेन लेट स्टार्ट द चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन क्योंकि जीके में चिल्ड्रन इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है कौन सा कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है तो पता होना चाहिए ना ओके सो लेट स्टार्ट द चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ओके द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ह्यूज लैंड मासिस तो जो हमारा जो प्लानट है चिल्ड्रन अर्थ है उसका जो सर्फेस है वो बहुत ज्यादा जो कवर है लैंड मासस से ठीक है मैंने बताया था आपको लैंड जमीन से जिसमें उनको ग्राउंड नजर आता है तो जो हमारा प्लानट अर्थ है चिल्ड्रन वो बहुत ज्यादा कवर्ड है किसे ह्यूज लैंड मासस से जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स ओके तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ये लैंड मास है ये लैंड मास है ये स है ये लैंडमार्स है ये लैंडमार्स है ये लैंडमार्स है तो ये सारे क्या हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरे अगर ग्लोब को देखोगे अगर आप ओके ग्लोब क्या होता है एक प्रकार का अर्थ का क्या है एक तरह का मॉडल है है ना मॉडल ऑफ अर्थ अगर आपको अर्थ तो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम अर्थ में खुद रह रहे हैं लेकिन मान लो अगर आपको अर्थ जैसा कोई चीज देखना है कि समझ में आए कि बेसिकली जो प्लान अर्थ है वो होता कैसा है तो हमको बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में दैट इज ग्लोब तो चिल्ड्रन जो ग्लोब होता है उसमें जगह जगह क्या है लैंड मासस है ओके okay, जगह जगह क्या है लैंड मासज है तो जो ये लैंड मासस है चिल्ड्रन वो होते हैं कॉन्टिनेट ओके अब एंड लार्ज वाटर बॉडीज नोन एज ओशंस और जो आपको ये पानी पानी ब्लू कलर का दिख रहा है चिल्ड्रन ये और कुछ नहीं इन्हीं को हम कहते हैं ओशंस सो so आप देख सकते हैं अगर हम ग्लोब को सीधा कर दे तो ये आपको पूरा लैंड मार्क्स दिखेगा जो कि बन जाते हैं आपके कॉन्टिनेंस और जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है एवरी वे ऑफ वॉटर बॉडीज है ये बन जाते हैं चिल्ड्रेन ओशंस अब आपको समझ में आया कि कॉन्टिनेंट्स क्या, क्या होता है और ओशंस क्या होता है सो कॉन्टिनेंट्स चिल्ड्रन लैंड मासस होते हैं विच इज प्रेजेंट इन आर प्लानट और पानी जो है वाटर बॉडीज जो है जो प्रेजेंट है हमारे प्लानट में उन्हीं को हम कहते हैं ओशंस लेकिन चिल्ड्रन जो अर्थ है वो तो है बहुत बड़ा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही लैंड मास हो और एक ही वाटर बॉडीज हो अलग अलग है और इसलिए इन अलग अलग लैंडमास अलग अलग वाटर बॉडीज का हमने नामकरण कर दिया है माने के नाम रख दिया है और वही हम आज जानेंगे ओके okay? सो so, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ह्यूज लैंड मार्स नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वॉटर बॉडीज नोन एज ओशन ओके नाउ वाइल्ड कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर ओशन फ्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर सो चिल्ड्रन जो अर्थ का इनर पार्ट होता है वो होता है लिथॉस्फेयर तो जो कॉन्टिनें है चिल्ड्रन ऑब्बियसली लैंड मार्स है तो वो अर्थ के अंदर है तो क्या है वो लिथॉस्फेर है तो वो किसके पार्ट है लिथॉस्फेर के तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ लिथॉस्फेयर एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी का पार्ट है तो ओशंस है ब्लू कलर के हैं वाटर बॉडीज है तो ऑब्वियसली वो किसके पार्ट होंगे हाइड्रोस्फेयर के लेकिन जो अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर और जो ये लैंड लैंडमासेस हैं दे आर आल्सो इनसाइड द Planet अर्थ है ना अंदर हैं मास हैं तो इसलिए चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट हो जाता है लिथोस्फेयर का पार्ट हो जाता है तो आप देख सकते हैं यू कैन ईजली आइडेंटिफाई दैट वॉट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मार्सेस ऑन प्लान अर्थ तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया ये सब क्या है लैंड है विच आर दी पार्ट ऑफ लिथॉस्फियर ठीक है और बाकी जो आपको ब्लू 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 कलर का दिख रहा है दे आर दी पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर क्लियर हो गया ओके okay. नेक्स्ट अर्थ इज डिवाइडेड इंटू सेवन कॉन्टिनें चिल्ड्रन जो अर्थ है अपना वो कितने कॉन्टिनें में डिवाइडेड है seven continents. So, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ है वो बहुत बड़ा है तो कोई एक लैंड मास नहीं होगा उसमें है सात लैंड मार्सेस है ना तो वो सेवन जो है चिल्ड्रन वो क्या बन जाते हैं वो बन जाते हैं कॉन्टिनें ओके सो वॉट आर दो सेवन कॉन्टिनेंट अफ्रीका Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, and साउथ अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सो चिल्ड्रन ये हैं आपके लैंड मास्टर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ और ये अलग अलग साथ हैं चिल्ड्रन और इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है क्लियर एवरी वन ओके यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड मास्टर्स हैं बड़े बड़े सो आर कॉन्टिनेंट्स और हर कॉन्टिनेंट का क्या दिया गया है नाम दिया है तो वो सेवन आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप अफ्रीका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एंड दटिका इज द अपर वन ओके सो दीज आर सेवन योर कॉन्टिनेंट्स ना अर्थ हैज फाइव मेन ओशंस अब जब कॉन्टिनेंट सेवन है तो ओशंस कितने हैं हमारे पास फाइव सो वी हैटिकन ओशन साउथ सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन सो चिल्ड्रेन दीज आर फाइव ओशंस विच आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ ऑल राइट तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंट आर ऑफ सेवन नंबर एंड ओशंस आर ऑफ फाइव एन नंबर तो so, आपको आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दिए गए हैं और ओशन के नाम चिल्ड्रेन यहां आर्कटिक सो यू कैन सी चिल्ड्रन द स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन इंडियन ओशन ओशन ये क्या है बिकॉज इट इज नियर टू आर कंट्री इंडिया एंड दैट इज वाई यहाँ के यहाँ के पानी को वाटर बॉडीज को हमने क्या नाम दे दिया है चिल्ड्रन इंडियन ओशन हिंद महासागर ओके देन चिल्ड्रन कम्स योर अटलांटिक ओशन ओके ओशन आप देख सकते हैं इस और इस कॉन्टिनेंट के बीच में है सो दिस इज साउथ अमेरिका चिल्ड्रन एंड दिस इज अफ्रीका। सो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का जो वाटर बॉडी आपको दिख रहा है दैट इज अटलांटिक ओशन उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो लेफ्ट हैंड साइड की वाटर बॉडीज है इसका नाम है चिल्ड्रन पैसिफिक ओशन क्लियर एंड चिल्ड्रन यू कैन सी यूरोप के ऊपर जो आप यहाँ पे ओशन देख रहे हो इट इज आर्कटिक ओशन ठीक है दिस इज आर्कटिक ओशन हर कॉन्टिनेंट के पास में देखो क्या है वाटर बॉडीज है और वो वाटर बॉडीज क्या है ओशन है and children you can see this is australia and again here you can see this is pacific ocean so there are children oceans and there are continents clear everyone okay now moving to next लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया सो चिल्ड्रन एज already टोल्ड यू देयर आर सेवन continents. सो so, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन हमारे planet में वो और कोई नहीं वो हमारा खुद का कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया ओके सो डू यू नो चिल्ड्रन एशिया ही हमारा कॉन्टिनेंट है और जो इंडिया कंट्री है दैट कम्स अंडर एशिया तो कौन से लैंड मार्क्स में आता है एशिया के लैंड मार्क्स में हम लोग आते हैं चिल्ड्रन अगर आप गौर से इस इमेज को देखोगे तो आपको दिखे कि यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया है। तो ये जो पूरा आपको लैंड मास दिख रहा है, चिल्ड्रन, दिस इज़ होल एशिया। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं बहुत सारी कंट्रीज़। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, एवरी कंट्री इज़ हियर ओनली, चिल्ड्रन। तो हम सभी एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं चिल्ड्रन और वो है एशिया एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द अर्थ ओके सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं लेकिन कॉन्टिनेट में चिल्ड्रन हम सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में हैं 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 और हम हम एशियन ओके वी ऑल आर एशियंस बिकॉज यू बिलोंग टू एशिया कॉन्टिनेंट ओके सो यू कैन सी वेरी क्लियरली चिल्ड्रन एंड द एनिमल्स आर गिवन हियर कि जो जो एनिमल्स फेमस हैं एशिया कॉन्टिनेंट में उन एनिमल्स को यहाँ पे बता दिया गया है क्लियर तो अब आपको समझ में आ गया कि जो इंडिया कंट्री है विच इज आव कंट्री इट कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट इट कम्स अंडर एशियन कॉन्टिनेंट ओके सो वी ऑल आर एशियंस ओके नेक्स्ट द आइलैंड कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया सो चिल्ड्रन जो ऑस्ट्रेलिया है वो है आइलैंड कॉन्टिनेंट आईलैंड कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो ये आपको लैंडमार्स दिख रहा है ये चारों तरफ से पानी से कवर्ड है वॉटरबॉडी से कवर्ड है और इसलिए इसका नाम है आईलैंड कॉन्टिनेंट सो मैंने द क्वेश्चन कम्स नेम द आईलैंड कॉन्टिनेंट देन यू मस्ट से इट इज ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह जुड़े नहीं है कि एक तरह से पानी हो और एक तरफ से लैंडमार्स हो नो द एंटायर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद द एंड दैट इज वाई इट लुक्स लाइक एन और इसलिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को हमने क्या नाम दिया है आईलैंड कॉन्टिनेंट सो वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्ट यू दैट नेम आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड यू हैव टू से इट इज ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन सी द एनिमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स ओके No. द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज Antarctica. सो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया चिल्ड्रन हम बात करेंगे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट की सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन वो है Antarctica. ओके okay? क्योंकि चिल्ड्रन वो सबसे नीचे है और वहां पर सन नहीं पहुंच पाती है और इस रीजन से वहां पर गर्मी नहीं आती और उसको बना देता है वो सबसे ज्यादा ठंडा ओके okay? वहां पर बर्फ होती है और बर्फ भी चिल्ड्रन आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ कितनी बर्फ पड़ती है एंड दैट मेक्स Antarctica चिल्ड्रन द कोल्डेस्ट Clear? तो आप वहाँ के लोगों को भी देखोगे तो उनका पहनावा अपने आप को सर्दियों से बचाने वाला होता है वहाँ रहना इज इम्पॉसिबल यू कैन सी विच टाइप ऑफ एनिमल्स फाइंड इन एंटार्टिका जोन ओके सो यू कैन सी मोस्टली चिल्ड्रन कीवीज एंड योर जो भी आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट में वो ही पर मिलते हैं एंड दैट मेक्स दटिका कॉन्टिनेंट द कोल्डेस्ट वाट Okay, next. द लार्जेस्ट ओशन इज पैसेफिक ओशन सो आफ्टर कॉन्टिनें चिल्ड्रन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ओशन एंड दैट इज द पैसेफिक ओशन पैसेफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है बिकॉज चिल्ड्रन एक तो वो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट हंड साइड पर मिल जाता है और दूसरा चिल्ड्रन वो ऑस्ट्रेलियन के साइड पर मिलता है एंड दैट मेक्स द बिगेस्ट वॉटर बॉडी एंड दैट इज पैसेफिक ओशन ओके सो पैसेफिक ओशन इज द मैक्सिमम ओशन चिल्ड्रन विच कवर्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ ठीक है तो आपको इस तरह से कॉन्टिनेंट्स कौन सा बड़ा है कौन सा आइलैंड कॉन्टिनेंट है कौन सा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है इस तरह से आपको इन चीजों को लर्न करना पड़ेगा चिल्ड्रन क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स तो द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन तो बड़े की बात होगी तो छोटा कैसे रह जाए तो सबसे छोटा जो ओशन है अपने अर्थ में वो है आर्कटिक ओशन चिल्ड्रेन और आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशन का जो लोकेशन है दैट इज नियर टू नॉर्थ पोल ओके एंड इट इज नियर टू कंट्रीज लाइक आप थोड़ा सा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है कैनेडा के पास भी है आर्कटिक ओशन रशिया के पास भी है दैट यू कैन सी एन आर्कटिक सर्कल इज देयर सो आर्कटिक ओशन का जो कवर्ड एरिया है चिल्ड्रेन अर्थ में वो क्या है सबसे छोटा है एंड दैट इज वाई द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन ऑल राइट ओके ओके मैच द कॉन्टिनेंट्स एंड द आपके सामने यहां पे द वर्ल्ड का मैप बना हुआ है ठीक है और यहां पे स्पॉट्स दिए हैं अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है चैप्टर में हमने ये भी जान लिया था कहाँ कॉन्टिनेंट कौन सा आता है कौन से में कहाँ ओशन आता है तो अब क्या करना है यहाँ पे जो हेल्प बॉक्सेस दिए हैं इनकी मदद से इन मार्क्स को फिल करना है, है ना सिंपल इससे हमें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है भाई ठीक है ओके सो स्टार्ट ओन कंट्रीज ट चिल्ड्रेन और वो है अपना ये कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं इंडिया भी यहां पे बना हुआ है सो so, चिल्ड्रन इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है सो इंडिया कम्स अंडर द एशिया कॉन्टिनेंट तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन एशिया ओके सो क्लियर आपको इस तरह से फिलअप करना है बेसिकली तो यहां मैच करना था लेकिन अगर मैं मैच करूंगी तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं मिल पाएगा समझ में क्लैरिटी नहीं हो पाएगी दैट इज वाई आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द नेम सो दिस पर्पल कलर इज़ आर कॉन्टिनेंट चिल्ड्रेन एंड आर कॉन्टिनेंट्स नेम इज़ एशिया कॉन्टिनेंट ओके नेक्स्ट फिर देखते हैं चिल्ड्रन के यही कौन सा कॉन्टिनेंट है ब्राउन कलर का न इट इज एफ्रीका ओके ये कौन सा कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन ब्राउन कलर का ओके okay, जहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका सारे अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे आते हैं इस कॉन्टिनेंट में ऑल राइट ओके मूविंग टू नेक्स्ट फिर चिल्ड्रन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट तो पूरा पानी से ही घिरा है यहाँ भी वाटर बॉडीज यहाँ भी वाटर बॉडीज यहाँ भी वाटर बॉडीज यहाँ भी वाटर बॉडीज एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन ये कुछ टापू जैसा लग रहा है आइलैंड की तरह लग रहा है तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन ये वही कॉन्टिनेंट है जहां पे हमें मिलते हैं कैंगरूज यस yes, ये कंगारुओं का ही कॉन्टिनेंट है और इसलिए चिल्ड्रन इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओके okay? तो इस आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम क्या है इस आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम है चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया ओके सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया चिल्ड्रन ओके नेक्स्ट चिल्ड्रन ये ब्लू ब्लू कलर का क्या है एंड दिस लुक्स वेरी कोल्डेस्ट व्हाई बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन क्योंकि ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स हैं और पोल्स में तो सन की रेज प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाती है और इसलिए वहाँ पे बेहद सर्दी पड़ती है ओके चिल्ड्रन तो ये जो आपको बिलो पॉइंट दिख रहा है चिल्ड्रन दिस इज़ अंटार्टिका एंड दैट इज़ वाई अंटार्टिका इज दी कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माई डियर स्टूडेंट्स और वहाँ पर पॉपुलेशन मिल के बराबर है क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट ओके सो दिस कॉन्टिनेंट विच इज़ वेरी वेरी बिलो इन दी वर्ल्ड चिल्ड्रेन इट इज नोन एज एंटार्टिका ओके नाउ नेक्स्ट सो चिल्ड्रन ये कौन सा कॉन्टिनेंट है ग्रीन कलर का यहाँ पे जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है ये कॉन्टिनेंट ये कौन सा कॉन्टिनेंट है सो so, चिल्ड्रन ये बहुत ही सिंपल कॉन्टिनेंट है ये है चिल्ड्रन साउथ अमेरिका ओके तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस ए दिस इज चिल्ड्रन साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर ही क्या है नॉर्थ अमेरिका ऑल राइट सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका चिल्ड्रन ठीक है तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड चिल्ड्रन दिस इज साउथ अमेरिका ठीक है तो अमेरिका का ही कॉन्टिनेंट है नीचे वाला है क्योंकि नीचे है तो नीचे के जो भी पोर्शन होते हैं इज रेफर्ड एज साउथ एंड दैट इज वाई इट इज साउथ अमेरिका और ऊपर का जो भी पोर्शन होता है कहीं का वो रेफर करते हैं उसको नॉर्थ से इसलिए नॉर्थ अमेरिका है तो ये चिल्ड्रन हो गया ओ दिस रेड वन इज लेफ्ट सो चिल्ड्रन ये भी हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के बहुत ही नज़दीक है और चिल्ड्रन यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज और भी बहुत सारी कंट्रीज एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन इस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप चिल्ड्रन दिस यूरोप कॉन्टिनेंट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ओके okay, कभी सुना आपने यूरोप टूर के बारे में नहीं सुना ओके okay, कभी आप सुनना चिल्ड्रन कि यूरोप टूर क्या है यूरोप टूर इज कि वहाँ की जो कंट्रीज होती है दे आर फेमस इन ब्यूटी चिल्ड्रन ओके उनके पास जो प्लेसेस है दे आर सो अट्रैक्टिव कि लोग वहाँ घूमने जाते हैं ओके सो दिस इज यूरोप चिल्ड्रन तो ये हो गए आपके सेवन कॉन्टिनेंट्स काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑलराइट अपना कॉन्टिनेंट तो है भाई एशिया एशिया से लगा हुआ है यूरोप यूरोप के नीचे है अफ्रीका अफ्रीका के बाजू में है साउथ अमेरिका उसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और ये आपका है आइलैंड कॉन्टिनेंट जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और सबसे जो कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्टिका आप करेंगे चिल्ड्रन ओशन ठीक है तो पहला ओशन जो है चिल्ड्रन वो हम अपना खुद का ओशन करते हैं दैट इज हिंद महासागर इंडियन ओशन जो हर क्या होगा इंडिया के नीचे होगा और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंडियन ओशन सो दिस इज इंडियन ओशन जस्ट बिलो द इंडिया क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल नीचे ही वाटर बॉडीज है इसलिए इसका नाम दे दिया है इंडियन ओशन ओके नेक्स्ट चिल्ड्रन नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर दिस यूरोप के पास में आप देख रहे हो जो एरिया है चिल्ड्रन थोड़ा यूरोप के पास में कनाडा के भी पास में सो so, चिल्ड्रन ये जो है ओशन ये बहुत ही छोटा ओशन है एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज नोन एज स्मॉलेस्ट ओशन इज नोन एज आर्कटिक ओशन जो कि सबसे कम एरिया में स्प्रेड आउट है तो ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन देन चिल्ड्रेन आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास का जो ओशन है चिल्ड्रेन उसका नाम है अटलांटिक्लियर दिस इज अटलांटिक राइट एंड देन द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रेन दिस ओशन दिस इज पैसेफिक ओशन द लार्जेस्ट ओशन ऑन दिस अर्थ ओके दिस इज पैसेफिक ओशन And children, the one which is at the south is known as Southern Ocean. Clear? क्योंकि सबसे नीचे ओशन है इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया Southern Ocean रख दिया भाई ठीक है तो आपको समझ में आ गया ये है एटलांटिक ये है इंडिया के पास इंडियन ये है पैसिफिक विच इज द लार्जेस्ट वन आर्कटिक द स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन एंड children, चिल्ड्रन विच इज एट below. तो इस तरह से चलो रहा आपका वर्ल्ड मैप हो गया है समाप्त यहीं पर अब सिर्फ बच्ची कंट्रीज को यहाँ पे फिट करना ओके विच विल डू लेटर ऑन आज की डेट में आपको सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का ध्यान होना चाहिए दैट वी हैव सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फाइव ओशंस क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स तो अभी आपने ये साथ में किया है मेरे बाद में आप इसको खुद से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैप में कहाँ कॉन्टिनेंट कहाँ पे ओशन आता है ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमको सेंटेंस दिया रहेगा हमको ब्लैंक्स फिलअप करना है सो डैश इज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सो so, चिल्ड्रन ये तो पता है आपको कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन पाँचवा कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है सो चिल्ड्रन द आंसर इज एंटार्टिका ओके सो एंटार्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा तो अपना कॉन्टिनेंट है जो कि है एशिया ओके okay? और सबसे पाँचवा बड़ा जो कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन वो है एंटार्टिका ऑल राइट नेक्स्ट ऑस्ट्रिया एंड जॉर्जिया कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट सो ऑस्ट्रिया और जॉर्जिया चिल्ड्रेन क्या है कंट्रीज हैं लेकिन ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं सो चिल्ड्रेन दे आर दी पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट ऑल राइट सो ऑस्ट्रिया और जो जॉर्जिया है दैट कम्स अंडर यूरोप चिल्ड्रन सो दे बोथ आर दार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट ओके नाउ नेक्स्ट वर्ल्ड्स ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट इज ड्राइस्ट का मतलब सबसे ज्यादा सूखा जहां पे सिर्फ रेगिस्तान हो डेजर्ट एरिया हो नो वाटरफॉल तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है दुनिया का चिल्ड्रेन सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉरी द वर्ल्ड्स ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट इज चिल्ड्रेन एंटार्टिका कॉन्टिनेंट ऑल राइट ऑल दो इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड बट चिल्ड्रन वहाँ पे सबसे ज्यादा रेगिस्तान है डेजर्ट एरिया है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी नील के बराबर है बिकॉज ऑफ द वेदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इश्यूज़ वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है और मैक्सिमम एरिया जो है वहाँ का दैट इज कवर्ड बाई Desert area and that makes it driest continent. So world's driest continent is Antarctica continent. Okay. India comes under Dash continent. This is the simplest question. You subko pata hai. India se continent ke andar aata hai? India comes under Asia continent. Okay, which is the largest continent on the earth. Okay, so India comes under Asia continent. So this was the exercise children कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आई होप आपको अब आप क्लियर हो गया होगा कि कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं कौन से ओशंस होते हैं बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है और चिल्ड्रन जो मैक्सिमम जो पार्ट है अपने कंट्री का वो कवर्ड किस चीज से है सो लैंड मार्सेज एंड वाटर बॉडीज लैंड मार्सेज को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज को हम कहते हैं ओशंस ऑल राइट सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस अब एक इंफॉर्मेशन अगर आपको मैग्नेट बेन्स के वीडियोज देखने होते हैं जाना है गूगल क्रोम पे लिखना है डब डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम उसके बाद ये साइट खोलेगी जिस पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगे क्लासेज आप जो भी क्लास में है सपोज मान लीजिए आप क्लास थ्री में है तो आपने क्लास थ्री क्लिक किया उसके बाद आपके सारे टीचर्स उनके सब्जेक्ट के साथ आपको दिखेंगे मान लीजिए आपको जीके पढ़ना आपने जीके जैसे ही दबाया वॉच ना तो आपके जीके के सारे चैप्टर्स वीडियोज आपको सामने दिखने लगेंगे कोई स्पेसिफिक आपको चैप्टर का वीडियो देखना है प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट So, ये था आपका टॉपिक कॉन्टिनेंट्स एंड इनोशंस नेक्स्ट क्लास में चलो हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे मजेदार मजेदार तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है टू ग्रेड ट्वेल्थ फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू